यहाँ से हम जा रहे हैं लेक सिटी और ये कह रहा था जी यहाँ से डिफेंस आया चलते हैं फारिग हो चुके हैं और इसका खाना ही नहीं खत्म हो रहा जाएंगे लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं तो आगे से अब्दुल्ला कहता है कस्टमर कहाँ से लाने हैं तो आगे से कहता है बस यही सोचना रह गया काम मांदा कोई नहीं गा के कोई नहीं तो सॉफ्टवेयर हाउस खोल तू मेरा पुत्र चुप करके ना एयर फ्रेशनर का बस दे मैं दे सी लेकिन टाइम लग गया बहुत लड़ाई हो गई सी उधर तन्नु मार पाएगी फिर तो गाइस अभी इनसे मिल रहे हैं आ रहा मैं क्यों क्या लेने गया था और ये उसको मेरी टूर की वीडियो दिखा रहा है कि ये सोया हुआ था वहाँ पे और हम इसकी वीडियो बना रहे तो अंदर जाके अपनी इज्जत अफजाई करवाते हैं वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग तो गाइज अभी मैं शॉप से वापस आया था और आज मैं शॉप से जल्दी वापस आ गया था क्योंकि मैंने जाना था अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर तो यहाँ से मुझे पहले जाना गनी की तरफ जाके गनी को पिक करना और आगे हमने जाना फिर बासित की तरफ तो चलते हैं सबसे पहले जाके गनी को पिक करते हैं और आपको उससे मिलवाते हैं तो गाइज अभी इनसे मिल रहे क्यों अभी ये पहले ना मुझे कोने का आ रहा था कह रहा था कि ना जल्दी आ जा जल्दी आ जा और मैं आके इसके घर के बाहर तकरीबन 5-10 मिनट का खड़ा हूँ और ये बाहर ही नहीं आ रहा था अभी बाहर आया अब फिर कुछ लेने चला गया मुझे लग रहा है मेरे लिए बोतल लेने गया खाओ माँ कसम वालेकुम अस्सलाम अच्छा तो गाइस अभी आ चुका है क्या लेने गया था मैं समझ रहा था मेरे लिए बोतल लेने गया यार शर्म नहीं किया बोतल तो पीता जो से आता बंदा तो पता नहीं पीता पीनी है तो नहीं हाँ ले ले चल फिर आएगा टाइम वेस्ट होगा तो गाइस यहाँ से चलते हैं बासित की तरफ जल्दी से और जाके आपको उस नमूने से भी मिलवाते हैं और इनसे भी पूछते हैं वैसे ही हमें इतनी देर बाद क्यों मिला आज तकरीबन इसको हमसे मिले हुए 2 मंथ हो गया मेरे ख्याल से अभी शायद आपको मैं बता नहीं सकता कि हमसे क्यों नहीं मिलता बाद में फिर कभी आपको बताऊंगा ये राज के बारे में कि हमसे क्यों नहीं मिलता जी जी जरूर मेरा ख्याल है आज बता देना चाहिए ऑडियंस वेट कर रही है शायद मैंने डाया मैं आपको बताया था कि हम इसका एक अभी सीक्रेट है जो हमने रिवील नहीं किया इसका भी और बासित का भी है दोनों का तो दोनों का रिवील करेंगे इंशाल्लाह हाँ अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है अभी हम पहुंच चुके हैं बासित भाई को लेने के लिए अभी ये भी आ गया चाली ऐसे रहा जिस तरह कोई बहुत बड़ा चौधरी होता इस तरह नहीं लग रहा कोई चीज बहुत तेज ऑन हुई है ये तेज आवाज आई है ये किधर गया अब ये वो चौक में चला गया बात करने के लिए टकेगी इसकी बात नहीं होनी किसी लड़की से लगा होगा और इसने अब वहाँ पे बाहर बात खत्म करके अपने किस्से क्लोज करके गाड़ी में बैठना ताकि पता ना चल जाए किसी को किधर गया है इधर क्यों नहीं आ रहा ये घर है शीशे में भी नजर आ रहा शक्ल नहीं दिखाना चाह रहा अपनी प्रेशियस शक्ल क्या हाल चाल है आपका यार सीट आगे ठीक है हाँ क्या हुआ तुझे ए, क्या हुआ अफसोस में लग रहा है आएगा उसको क्या बदतमीजी है बोतल का पाव नहीं मारते और भी क्या हाल चाल है आपका शुक्र अल्लाह का बड़े 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 खुश मेरी पीछे दी खैर थी कुछ बड़े खुश अच्छा था क्या आपको बताते हैं तो नहीं होगी दिया पसंद बकवास बंद हां अभी चलते हैं आपको बताते हैं जहां की तरह वही फिर दोबारा उस गेट पे जाएंगे जब आगे जो टाउन उस गेट पे नहीं
मैं इनको लेके आ गया यहाँ पे खाना खाने के लिए, और ये उसको मेरी टूर की वीडियो दिखा रहा है कि ये सोया हुआ था वहाँ पे और हम इसकी वीडियो बना रहे। बस हो गया आपकी, चलो बंद करो खाना आ गया। तो गाइस खाना खा, ओ बस कर दे, जिस दिन मैं तेरे साथ करूँगा ना उस दिन तुझे बताऊँगा। ड्रामे गा रहा है बस, इसको वैसे प्रेशराइज करते हैं कल बैठ के ताकि ये थोड़ा सा कुछ करे। शाबाश आ चुके हैं वापस बासित को ड्रॉप करने के लिए। चल बेटा उतर जा जल्दी से, नींद आ रही है। निकल ठीक है, ठीक सुबह कैश ले ली। ओके गाइस अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ और मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, तो चल के सोते हैं। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अब सुबह। उतनी देर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। The next day. रात को घर वापस आने के बाद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे हल्का हल्का सा बुखार हो रहा था और मैं टाइम से सो गया था। सुबह जब मैं दुकान पे जाने के लिए उठा तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, फिर मैं दोबारा सो गया। दोबारा मेरी आँख खुली दोपहर में, और दोपहर में मुझे किसी काम से बाहर जाना था, मैं नहीं गया। फिर दोबारा से सो गया, सारा दिन मैंने सोते सोते गुजारा। अभी शाम में उठ के रेडी हो के मैं बाहर किसी काम से गया था, तो अपना काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं वापस घर जा रहा था। मुझे मेरे कज़न की कॉल आ गई, वो कहता कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने हमारे साथ चलना है। तो मैं फ्री था, मैंने उसको कह दिया ठीक है आ जाओ लेने के लिए। तो अब वो आया हुआ मेरे घर के बाहर, मेरा वेट कर रहा। तो जल्दी से चलते हैं घर वापस और जा के उसके साथ चलते हैं। तेरे साथ खोल दे। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है भाई जान आपका? आ गया तुसी यार, बहुत बिजी था कि थे, बड़ा अर्जेंट काम था। इंतजार करना है मेरा, काम 5-10 मिनट दे सी लेकिन टाइम लग गया, बहुत लड़ाई हो गई सी उधर। अच्छा तन्नू मार पाएगी फिर? नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह जिथे जाईदा मार खा के ही आई दी। तन्नू फोन करना सी यार, मैं भी तन्नू आके बजा नहीं कुछ और काम कर रहे हैं, बड़ा जरूरी काम से मैं मोबाइल भी नाल नहीं ले आ गया, थल्ले की पे आया सी गड्डी से आईफोन बिग बटन से। तो गाइस मैंने यहाँ से जाना है अब अफान की तरफ, अफान को जाके पिक करना, भी आपको चलते हैं और जाके उस नमूने से भी मिलवाते हैं। अभी हम आ गए थे अफान को लेने के लिए और अफान को हमने पिक कर लिया। यहाँ से हम जा रहे हैं लेक सिटी, और ये कह रहा था जी यहाँ से डिफेंस आया चलते हैं। अपनी गाड़ी ले ही आया तो हब हमें बातें सुनाएंगे। बात तो सही है, बैठी ना बनाए दरवाज के नहीं बैठा मैं खोला इन्होंने होने ला। ओए हम आए थे यहाँ पे लेक सिटी और हमारे साथ हो चुका है प्रैंक। हमने उनको कॉल करके पूछा था कि ये कैफेज वगैरह कितने बजे बंद होते हैं, उन्होंने बताया था 12 बजे। जब हम यहाँ पे आए तो ऑर्डर नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे 11 बजे क्लोजिंग है, और ये लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापसी के लिए यार। लेक सिटी से हम लोग निकल के आ गए हैनन बन पे ब्रोस खाने के लिए। अभी कोई आया तो हिसरेगा यार, चले गए लोग, चले गए हैं। हाँ वो रिलेटिव थे इसके, कहता अंदर बैठे रहो, वो शीशे ब्लैक थे शायद इसलिए उनको नजर नहीं आया कि वलीशे खाया। अच्छा अब वो गए हैं तो हम उतर के अंदर जा रहे हैं। कोई नहीं जाने दो उनको, फिर उतरेगा। तो गाइस अभी मैं और वलीद खा के फारिग हो चुके हैं और इसका खाना ही नहीं खत्म हो रहा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। पता नहीं कितना खाना है इसने, बस कर दे यार पान फुल हो गए। तो गाइस अभी हम हैनन बन से खा के वापस निकले हैं और ये हमें कह रहा है फिर चलते हैं। मैंने तो नहीं कहा गाइस।
मैंने कहा है जाएंगे लेकिन इसको घर छोड़ के जाएंगे। जाओ जाओ बेशक आप जाके बेशक यार ना गालियां नहीं निकाल गालियां तो नहीं दी मैंने बीप डाल दी। अच्छा ये मैं भी कह रहा था यार बड़ा अफसोस है वैसे और ये उसको आगे से कह रहा करी जा अफसोस है कि पिछली बारी भी बेचारे के साथ प्रैंक हो गया था हम इसको छोड़ के चले गए नहीं गाइस मैं गांव में घर ले लिया है वहां से पड़ता है तुम्हारा घर वहां पर ही पड़ना है ऐसा ना फजूल ना मेरे से पास होने कितनी बीपा लावा बीप अजीब घर करी जा रहे तू है पार्क नाना फिर है ना पैसा फिर तुसी है लागड़े हो ऐ तो दसो ना मनु रोड पे सुट्टी जा रहे हो उधरो ताडे मसले नहीं मुकदे वे अदी ऐसी है ए लैन चलने आ कदी ऐसी इथे आया मैं आज मैं इथे आया ते सानू कहना है ए गांव में ले लिया घर जिन्ना मर्जी रो ले तन्नू वेफल ही ले के मैं ते भाई या मैंने जाना भी नहीं है आपको बताया था ना कैमरा बंद होते साथ ही फान भाई ने अपनी दुखी राम कहानी शुरू कर दी है कि मैं आपको कितनी बार लेने आया हूँ मैंने कोई बात नहीं की आज तक आपको आप मुझे वेफर्स पे नहीं लेके जा सकते अब इसकी आपको पॉकेट शॉट अब इसकी सुनी गई है और हम लोग वेफर्स पे आ गए इसको लेके लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ड्रॉप करने में वापस बाकी वो भी देख लेंगे वो टैंकी फुल है भाई हां टैंकी फुल है चाचू साहब जिंदाबाद आएगा मजा खेल का चाचू साहब जिंदाबाद कह रहा आज टैंकी फुल लेकिन उसे फिर भी पैसे तेरे से ही लेने हैं आइसक्रीम के ओ ले ले यार इतना की बात इसको लेके आया ना जितना पेट्रोल लगे इसको चाहिए आइसक्रीम मुफ्त खिला दे 200 रुपए की आइसक्रीम कोई बड़ी बात नहीं है बात तो सही है तो गाइस अभी हमारी कॉफीज आ चुकी हैं और ये वलीद भाई अभी ना किए किसी बात से हंस रहा था कहता चुप कर जा कहता है सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं तो आगे से अब्दुल्ला कहता है कि कस्टमर कहाँ से लाने हैं तो आगे से कहता है बस यही सोचना रह गया काम आंदा कोई नहीं गा के कोई नहीं तो सॉफ्टवेयर हाउस खोल ला क्यों हिला डाला ना बेटा पुत्र चुप करके ना एयर फ्रेशनर का बस डाल क्या बात कर रहे बाबा आ गया फोन को ड्रॉप करने के लिए और ये गया था अंदर चाबी लेने के लिए किधर चला गया गाड़ी में गया था अच्छा अभी गया अपनी गाड़ी में वहां से इसकी कीज निकाल के लाएगा जो कि 2-3 महीनों से इसके पास ही पड़ी थी गाड़ी यार गाड़ी साइड वलीद आ गया मुझे ड्रॉप करने के लिए और मुझे जाना अंदर क्योंकि घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं उन्होंने मुझे मना किया था मरम में बाहर जाने से लेकिन मैं फिर भी सर अम्मी के साथ गया हुआ था तो अंदर जाके अपनी इज्जत अफजाई करवाते हैं उससे पहले आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें।